नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू, राजपत्र में अधिसूचना हुई जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अब 286,574 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। कल से राजधानी रायपुर में शुरू हो रहा है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, खेल मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा। और महासमुंद जिले में संचालित नवजीवन अभियान पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। नागरिकता संशोधन अधिनियम कल से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए 10 जनवरी 2020 की तिथि तय की है। कानून के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित 6 अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आने को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून 3 देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। आज धमतरी में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में दूरदर्शन समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस कानून के बारे में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, जबकि इस कानून के माध्यम से पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। और जिसमें जो पाकिस्तान से हमारे शरणार्थी भाई जो वहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से देश छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से जो यहाँ पर आए हैं, उनके लिए ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, जिसका यहाँ पर कांग्रेस और यूपीए के जो लोग हैं उनको इस बात की तकलीफ है कि वो जो वहाँ पर दुखी थे, परेशान थे, वो यहाँ पर आ गए, उनको नागरिकता क्यों नहीं मिली, क्यों मिल गई। लेकिन ये इसके पीछे कारण नहीं है, कारण इनका कोई और है। इसके पीछे कारण है धारा 370 और 3 तलाक और भगवान श्री राम का मंदिर बिना विवाद खत्म हो गया, वो पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए जनता के अंदर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इसलिए जन जागरण की आवश्यकता है और जनता इस बात को समझ रही है। श्री चौधरी ने कहा कि राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है और नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में देश भर से लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस दौरान श्री चौधरी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में निकली रैली में भी शामिल हुए। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मुंगेली में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में 500 मीटर लंबा तिरंगा लेकर 500 से अधिक लोग शामिल हुए। यह रैली सभा स्थल से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए, साथ ही नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए लोगों को कानून के बारे में बताकर जागरूक किया। इस मौके पर लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू ने कहा कि पड़ोसी देश में प्रताड़ित अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है। अलग हुआ तो उस समय 23% हिंदुओं की संख्या थी, जो आज घट करके मुश्किल से 3.5% है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है और वो शरणार्थी बनकर के भारत आए हैं। और ऐसे हिंदू भाई जो पारसी है, जो जैन है, जो सिख है, जो ईसाई है, उनको नागरिकता देने के लिए यह कानून है और उनके लिए कानून बनाया गया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता आकाश परिहार ने कहा कि कानून के समर्थन में रैली निकाली गई है ताकि कानून के प्रति फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर किया जा सके।
अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक, यह भारत सरकार द्वारा बहुमत से पारित एक विधेयक है जो पड़ोसी जो देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उसके पीड़ित जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों को भारत में नागरिकता देने के लिए यह संशोधन किया गया है। हम सब भारत मुंगेली के जितने भी नागरिक जागरण मंच के तत्वावधान में जितने भी लोग हैं वो इसके समर्थन में रैली निकाले हैं। मुंगेली शहर में निकाली गई इस रैली का कई सामाजिक संस्थाओं ने समर्थन किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अब 286,574 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इनमें पंच पद के लिए 223,737 प्रत्याशी, सरपंच पद के लिए 48,412, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 12,320 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 1,905 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पंच पद के लिए 527 पद और सरपंच के लिए 49 पदों पर कोई नामांकन दाखिल नहीं किए गए। वहीं पंच के 124, सरपंच के 10 और पंचायत सदस्य के एक पद के लिए नामांकन खारिज हो गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में 1,60,725 पंच, 11,664 सरपंच, 2,979 जनपद पंचायत सदस्य और 400 जिला पंचायत सदस्य पद की संख्या है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर में कल से शुरू हो रहे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने महोत्सव स्थल साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने महोत्सव को यादगार बनाने के लिए अधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए। श्री पटेल ने महोत्सव की तैयारियों के संदर्भ में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करने युवा महोत्सव बेहतर मंच साबित होगा। 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 37 अलग अलग विधाओं पे युवाओं को कंपटीशन के जरिए उनको आगे बढ़ाने का काम युवा महोत्सव में किया जाएगा, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक जगह मिले छत्तीसगढ़ में और नेशनल लेवल पे भी उनको एक मौका मिले उनको प्रोत्साहित करने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में प्रदेश की संस्कृति के अलावा पारंपरिक नृत्य, खेल, लोकगीत, चित्रकला, प्रश्न मंच, छत्तीसगढ़ी व्यंजन सहित फैशन की छटा बिखरेगी। रायपुर के विज्ञान महाविद्यालय मैदान में 14 जनवरी तक चलने वाले महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी। महासमुंद जिले में संचालित नवजीवन अभियान अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम समन्वयक और 27 जिलों के नोडल अधिकारी सहित 69 सदस्यीय टीम ने बीते दिनों महासमुंद जिले के नवजीवन केंद्रों का भ्रमण किया। इस अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य की राज्य समन्वयक डॉक्टर सुमित जैन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस अभियान से अवसाद में डूबे लोगों को एक नया जीवन मिला है। मेरे को लगता है कि ये जो नवजीवन केंद्र चल रहे हैं ये राज्य में कहीं नहीं चल रहे हैं, तो एक नया पहल है जहां सखा सखी प्रेरक सभी जिनको प्रशिक्षित किया गया है मानसिक स्वास्थ्य पे, तनाव पे एंड आत्महत्या को रोकने के लिए, एक बहुत अच्छा पहल है और सभी राज्य में समस्त अन्य जिलों द्वारा भी इसको किया जाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको देखें, समझें और कोशिश करें कि वो भी अपने जिले स्तर पर इसको संचालित कर सकें। वहीं महासमुंद जिले के कलेक्टर सुनील जैन ने नवजीवन अभियान को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने का स्वागत किया है। देखिए, हमारे जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, 550 ग्राम पंचायतें उस समय थी, सभी जगहों पर नवजीवन केंद्र खोले गए हैं और इनको खोलने का उद्देश्य हमारा यह था कि जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल के बाद एक खेल खेल की एक्टिविटी में अपने आप को पार्टिसिपेट कराएं और गांव के बुजुर्ग लोग जो एकाकी जीवन जी रहे हैं, कम से कम उनके लिए एक बैठने का स्थान हो, उनके लिए किताबें पढ़ने के लिए उपलब्ध हों और इनडोर गेम की सुविधा उपलब्ध हो। जहाँ तक इसके सफलता का सवाल है तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और एक दिनों में इसमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 2,995 लोगों को अभी तक कम से कम इसमें ट्रीटमेंट दे करके उनको सफल जीवन के लिए आगे प्रेरित किया है।
हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो सखा सखी के रूप में इसमें लगे हैं और प्रेरक के रूप में लगे हैं, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। उन्होंने हमें अवगत कराया कि कई लोगों को उन्होंने इस दुष्प्रेरण से रोकने का प्रयास किया है और उसमें सफलता मिली है, और कई लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो उनको बचाया भी उनकी लाइफ को उन्होंने। तो कुल मिलाकर के इसके बारे में आम भावना और जन भावना जो है काफ़ी तेज़ी से पूरे ज़िले में फैली है और लोगों को इसके प्रति जागरूकता आई है। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में आत्महत्या के सबसे अधिक मामले सामने आए थे, जिसके बाद कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आत्महत्या की सोच रखने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें अवसाद से बाहर निकालने नवजीवन अभियान की शुरुआत की थी। अभियान की सफलता ने प्रदेश के अन्य जिलों को भी प्रेरित किया है। इस अभियान के तहत डॉक्टरों को मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया। बाद में इन प्रशिक्षित डॉक्टरों ने मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, साथ ही गांव-गांव में नवजीवन मित्र बनाए गए। इस अभियान के तहत पूरे जिले में 550 ग्राम पंचायतों में नवजीवन केंद्र खोला गया है। नगर निगम अंबिकापुर के स्वच्छता मॉडल की इन दिनों वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। स्वच्छता मॉडल के अवलोकन के लिए देश की कई राज्यों की टीमें शहर आ चुकी हैं। इस कड़ी में पड़ोसी देश नेपाल के 11 अधिकारियों का दल भी अंबिकापुर पहुंचा हुआ है। इस दल ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण से लेकर उसके निपटान और कचरे से कमाई की तकनीक का अध्ययन किया। अध्ययन दल के साथ आई संयुक्त निदेशक आयशा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 2 साल के शोध के बाद उन्हें अंबिकापुर का स्वच्छता मॉडल पसंद आया है। After 2 years of research that we did, we also did a baseline survey of the types of waste that comes out from Nepal. And based on that, today we are here in Ambikapur to study and learn from what Ambika has gone through since 2015. And I'd like to congratulate Ambikapur for having made such a successful progress in this and being a real exemplary, you know, state. Is it a state? Chhattisgarh state. So we are very, very impressed, and congratulations to all who have made this possible. वहीं नेपाल सरकार के प्रतिनिधि केदार पनेरू ने कहा कि कचरे के निपटान के साथ साथ महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाला अंबिकापुर का स्वच्छता मॉडल श्रेष्ठ है। कलकत्ता सिलचर में भी गए थे और वहां देख लिया, जो श्रीनिवासन जी थे उसने से वहां एक प्रोग्राम कर दिया और हमने वहां जो सेग्रीगेशन सब देख लिया और फिर बाद में यहाँ आए और जो काम हो रहा है यहाँ, वो मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सरकार का, हर म्यूनिसिपैलिटी का एक प्रॉब्लम था, अब ये हल हो रहा है। यहाँ देखिए, पहला बहुत प्रॉब्लम था ये जो लैंडफिल साइट का, जो अंबिकापुर में उतना 30-40 फीट तक गया था, उसका हाइट उतना ही हुआ था, आज वो नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि जो सेग्रीगेशन का जो काम था, ये हर घर घर में जो काम हो रहा था, जो एजुकेशन कर दिया है यहाँ का म्यूनिसिपैलिटी ने और यहाँ का गवर्नमेंट ने जो किया, अच्छा काम किया। नेपाल के बीरेंद्र नगर शहर के महापौर देव कुमार सुवेदी ने कहा कि हमने स्वच्छता मॉडल के बारे में जितना सुना था उससे बेहतर कार्य प्रणाली देखने को मिली है। वास्तव में जो हमने टीवी पर देखा था, जो सुना था, फील्ड में आकर वो उससे बेहतर कार्यक्रम चल रहा है। खास करी यहाँ की म्यूनिसिपलिटी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो मुहिम चलाया है, वो मुहिम साथ खास में तारीफ करने लायक है। नेपाल से आए प्रतिनिधियों ने कहा कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का अंबिकापुर स्वच्छता मॉडल श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल ने बेरोजगार महिलाओं को भी आर्थिक दृष्टि से सबल बनाया है। बिलासपुर में आज हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को विधायक शैलेश पांडे और महापौर रामचरण यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, राष्ट्रीय सेवा योजना सहित महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं शामिल हुए। इसके अलावा रैली में जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह रैली अरपा जुबेर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस परेड मैदान पहुंची। इसके बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शहर के महापौर ने लोगों से हेलमेट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
आज यह कार्यक्रम जो रखा गया है वह परिवार की सुरक्षा के साथ साथ, एक व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता अगर किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद उस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि आने वाले समय उस परिवार के लिए भारी पड़ जाता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से कि हर वह व्यक्ति जो वाहन चलाता है उसको अनिवार्य रूप से अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने स्वयं के सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। गौरतलब है कि जिले में इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जिसके तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।